कार दुनिया से मैं विनीबा फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों फॉक्स वैगन टैगून का आज मैं आपको एक और वेरिएंट दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस लाइन का मैं आपको पहले इसका जीटी प्लस दिखा चुका हूं और डायनेमिक लाइन का हाई लाइन आप चेक कर चुके हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे इस गाड़ी के डायनेमिक लाइन के टॉप मोस्ट वेरियंट टॉप लाइन की और देखेंगे दोस्तों इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं। ये गाड़ी दोस्तों आती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 14,56,900 रुपीज़ और 6 स्पीड ऑटोमेटिक में है 15,90,900 रुपीज़। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आप देख रहे हैं ये है इसका ऑटोमेटिक वर्जन। हालांकि ऑटोमेटिक और पेट्रोल में दोस्तों फीचर सेम आते हैं, तो चलिए देखते हैं टॉप लाइन के सबसे पहले फ्रंट लुक को। तो फ्रंट में जब आप चेक करेंगे टॉप लाइन को तो ये देखिए इसकी ग्रिल, यहाँ पे आपको 3D फ्री स्टेप क्रोम ग्रिल मिल जाएगी जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी को खूबसूरत फ्रंट से बनाती है, प्रीमियम बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फॉक्सवैगन का लोगो थोड़ा सा बड़े साइज़ का दिया हुआ है जो कि देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बम्पर्स की और यहाँ पे दोस्तों देखिए तो यहाँ पे आपको देखिए डबल कलर देखने को मिलेगा। ये जो दोस्तों बॉडी कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है इस गाड़ी का कुरकुमा येलो कलर और बम्पर जब देखिए तो यहाँ पे बॉडी कलर का यूज़ है, ब्लैक फिनिश दे रखा है और कुछ जगह पे देखिए तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी देखने को मिलेगी। और साथ में देखिए तो यहाँ पे ट्रेपेजॉडियल क्रोम विंग्स फ्रंट के इस गाड़ी को अगेन फ्रंट से प्रीमियम और देखिए खूबसूरत लुक दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। LED DRL लाइट्स रखी है, फ्रंट के टर्न इंडिकेटर देखिए इस समय ब्लिंक कर रहे हैं और नीचे की तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया फॉक्सवैगन टैगून टॉप लाइन को फ्रंट से। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने और यहाँ से आप देख सकते हैं वन फ्रेम व्यू। यहाँ से देखिए इस गाड़ी की लेंथ 42.21 mm लेंथ है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 188 mm का इसमें आपको मिलेगा ग्राउंड क्लियरेंस। चलिए आप एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो देख लीजिए इसके एलॉय व्हील्स यहाँ पे डिज़ाइन आपके सामने है, टॉप मोस्ट वेरिएंट के एलॉय व्हील्स चेक कर रहे हैं आप। बाकी साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 205/55R17 के व्हील्स दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये SUV गाड़ी है तो SUV को बोल्ड लुक भी दिया जाता है, साथ में प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रैचेस बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे ये व्हील आर क्लैडिंग देख सकते हैं, डोर के नीचे भी देखिए तो यहाँ पे भी आपको क्लैडिंग मिल जाएगी जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी को साइड से बोल्डर लुक देती है। आउटसाइड मिरर्स चेक कर लीजिए बॉडी कलर में है, उसी में LED टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं और हैंडल्स देखिए कितने खूबसूरत हैं इस गाड़ी के। यहाँ पे बॉडी कलर एंड क्रोम इंसर्ट के साथ हैंडल हैं और यहाँ पे भी चेक करिए तो इस साइड आप देखिए ये क्रोम की बेल्ट लाइन दी हुई है जो कि अगेन इस गाड़ी को हैंडल एंड बेल्ट लाइन प्रीमियम बनाती है। ऊपर साइड देख लीजिए तो यहाँ पे रूफ रेल्स ब्रिज टाइप मिल जाएगी जिसमें सिल्वर फिनिश की यहाँ पे देखिए रूफ रेल्स दी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने साइड प्रोफाइल चेक कर लिया, थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, ये देखिए फ्यूल इंटेक एरिया इस तरफ मिल जाएगा, ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन पे आती है। चलिए आगे इस गाड़ी के रियर यानी बैक को एक्सप्लोर करने और पहले तो दोस्तों मैं ज़रा इसकी लाइट ऑन कर दूँ, टेल लैम्प्स ऑन कर दूँ क्योंकि यहाँ पर ये हैं बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों इसमें आपको LED इन्फिनिटी टेल लैंप्स मिलेंगे जिसकी देखिए खूबसूरती आपके सामने है। यहाँ पे देखिए पूरी ये लाइट फॉलो करती हुई यहाँ पे इस साइड तक आएगी और साथ में ब्लैक ग्लॉसी फिनिश जो दिया हुआ है रेड रंग की लाइट के साथ ये इस गाड़ी को बैक से बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और कुरकुमा येलो कलर जो इस गाड़ी का बॉडी कलर है ये भी देखिए इस गाड़ी को कितना खूबसूरत बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इसके खूबसूरत LED इन्फिनिटी टेल लैंप्स को चेक कर लिए। बात करेंगे देखिए यहाँ पर टैगून जो कि इस गाड़ी का नाम है उसके एम्बलम दे रखा है। इस साइड पर देखिए तो TSI दोस्तों इसमें टर्बोचार्ज स्ट्रेटिफाइड पेट्रोल इंजन आता है जिसका यहाँ पे ये देखिए एम्बलम दिया हुआ है। पीछे की साइड पे देखिए तो ट्रेपेजॉइडल विंग्स आपको मिल जाएंगी क्रोम की जो कि अगेन जैसे फ्रंट खूबसूरत लग रहा है वैसे इस गाड़ी का रियर भी खूबसूरत बना रहा है और फ्रंट एंड रियर पे स्किड प्लेट्स आप चेक कर सकते हैं। ऊपर साइड बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए रियर वाइपर दे रखा है, डिफॉगर्स दिए हुए हैं और ये देखिए इसमें आपको मिल जाएगा स्पॉइलर जो कि थोड़ा सा देखिए इंटीग्रेटेड है और इस गाड़ी को स्पोर्टी बना रहा है। टॉप पे देखेंगे तो ब्लैक फिनिश में यानी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में शार्फिन एंटीना मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया फॉक्सवैगन टैगून टॉप लाइन को एक्सटीरियर से। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर को एक्सप्लोर करने और आपको इसकी कीज चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये है इस गाड़ी की कीज़ आपके सामने, इसमें आपको स्मार्ट की मिल जाएगी जिसमें लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है और एक साथ में इमरजेंसी की दी हुई है। दोस्तों ये कीज अगर आपके पास में है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डोर पे देखिए एक स्मार्ट एंट्री बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करिए गाड़ी लॉक हो जाएगी और लॉक होते समय देखिए आउटसाइड मिरर्स अपने आप बंद हो गए और जैसे मैं इसको करूँगा अनलॉक
ये देखिए मिरर्स ओपन हो जाएंगे। एक प्रीमियम फीचर है, मिरर्स ऑटोमेटिक हैं, साथ में स्मार्ट की है, स्मार्ट एंट्री बटन दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो ये देखिए, ये है फॉक्सवैगन टैगून का टॉप लाइन का, ये देखिए इंटीरियर आपके सामने डुअल टोन इंटीरियर है, जिसमें देखिए फिनिशिंग चेक करवाता हूँ। तो देखिए ग्लॉसी ग्रे फिनिश यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगी। एक बार आप इसकी डिज़ाइन अच्छे से चेक कर लीजिए, इस साइड पे भी देखिए डिज़ाइन दी हुई है और डैशबोर्ड इंटीरियर दोस्तों काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी खूबसूरत लगता है। बाकी दोस्तों इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, कीज़ बस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ और जब इसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का इग्निशन ऑन हो जाएगा। अगर मैं क्लच को, सॉरी ये मैं गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो इसमें आपको ब्रेक को प्रेस करना है और जो है बटन दबाना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच को प्रेस करके ब्रेक प्रेस करते तो गाड़ी स्टार्ट होती है। चलिए अंदर का इंटीरियर थीम आपने देख ली, जो इसकी अपहोल्स्ट्री है वो चेक कर लीजिए। ये देखिए इसमें आपको लेदराइट अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। फ्रंट की सीटों में कुछ खास बात है, जब बैठूंगा इधर की तरफ तो अब आपको दिखाता हूँ। बाकी फीचर्स अभी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी देर में, पहले जरा आपको इसका बूट चेक करवा दूँ। चलिए ओपन करते हैं इसके टेल गेट को और यहाँ पे देखिए इसमें कैमरे के लेंस लगा हुआ है नंबर प्लेट के ऊपर की तरफ, और साथ में दोस्तों इसमें सेंसर्स भी आते हैं एज अ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं। कैमरा एंड सेंसर्स वर्क करेंगे जब गाड़ी को बैक करेंगे। अभी बैठेंगे गाड़ी अंदर तो आपको चेक करवा दूँगा। पहले आप इसका बूट देख लीजिए, 385 लीटर्स का दोस्तों इसमें आपको बूट में स्पेस मिल जाएगा। बाकी देखिए पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड है, ये डिटैचबल है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं भी इसको ऊपर की तरफ फंसा देता हूं और यहां पे चेक करा देता हूं इसका स्पेयर व्हील। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का स्पेयर व्हील आपके सामने। और दोस्तों ये देखिए, ये जो स्पेयर व्हील है ये स्टील पे है, यानी बाकी व्हील्स की तरह एलॉयज पे नहीं है। हालाँकि ज़्यादातर गाड़ियों में अब यही मिलता है, क्योंकि स्पेयर व्हील जो है वो स्टील पे देते हैं, एलॉयज में नहीं। और साइज़ वाइज भी देखिए ये छोटा है बाकी व्हील्स के मुकाबले, ये R15 इंच में दिया हुआ है। चलिए आपने इसका स्पेयर व्हील देख लिया, पूरी स्पेस देख लिया, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ इसकी। मैं ज़रा वापस पार्सल टेक हटा देता हूँ। इसकी जो पीछे की सीटिंग है ये 60-40 स्प्लिट है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसका एक पोर्शन बेंड कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से, और इधर सामान रख सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, या फिर चाहेंगे आप तो, यानी अगर लगेज स्पेस और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों साइड आप इसकी बेंड कर दीजिए। और बन गया 1405 यानी 1405 लीटर का एक बड़ा एक्सटेंडेड लगेज स्पेस। चलिए दोस्तों अब चेक कराता हूँ इसका केबिन और स्टार्ट करते हैं पीछे की साइड से और देखते हैं अंदर की तरफ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कितना कंफर्ट मिलेगा। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का पीछे का डोर आपके सामने, डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। नीचे तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी बॉटल रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए। स्पीकर्स लगे हुए हैं बैक साइड में, बाकी चारों पावर विंडोज आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर विंडो का स्विच प्लेस्ड है और ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए इसका जो ये आर्मरेस्ट है ये सॉफ्ट ट्रिम पे है, तो यानी पूरा कम्फर्ट का इसमें ध्यान दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसकी पीछे की सेटिंग की। तो ये देखिए, ये है डिज़ाइन आपके सामने। यहाँ पे भी देखिए एक और अच्छी चीज़ है, इसमें मिडिल पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट है और तीनों हेडरेस्ट जो है वो हाइट एडजस्टेबल दिए हुए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो ये आर्मरेस्ट है, एक फोल्डिंग आर्मरेस्ट जो रखा है विद अ कप होल्डर। चलिए बैठते हैं इस गाड़ी के पीछे की सीटिंग में, देखते हैं दोस्तों कितना कम्फर्ट है। मेरी हाइट है 5'8" और ड्राइविंग सीट जो है वो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है, और आप क्लियरली देख सकते हैं इसके लेग रूम को। देखिए मैं पूरा पैर स्ट्रेच भी कर दूं तो भी यहाँ पे देखिए कितना आपको अच्छा लेग रूम मिल जाएगा, काफ़ी कंफर्ट है इसकी पीछे की सेटिंग पे। इस साइड पे देखिए सेंटर हम की बात करेंगे तो ये देखिए इतना ऊंचा दिया है, और बाकी यहाँ पे रियर एसी वेंट भी है, तो पीछे जल्दी एसी की कूलिंग आपको फील होने लगेगी। और नीचे तरफ देखिए यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। चलिए एक झलक आपको ऊपर साइड दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये फोल्डिंग ग्रिप्स दे रखे हैं, और इस साइड पे देखिए आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ये देखिए एलईडी रीडिंग लैंप्स भी मिल जाएंगे। चलिए पीछे की सीटिंग से निकलते हैं और बढ़ते हैं ड्राइविंग साइड पर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। चलिए अब आपको चेक करवा रहा हूँ इस गाड़ी का ड्राइविंग साइड का डोर, और यहाँ पर देख लीजिए आपको मिल जाएंगे स्विचेस। पहला सबसे पीछे की तरफ लगा हुआ है चाइल्ड विंडो लॉक का बटन, चारों पावर विंडोज दे रखे हैं, जिसमें ये देखिए वन टच डाउन और ये वन टच अप विद एंटी पिंच है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखते हैं बाकी विंडोज़ जो हैं, नहीं बाकी विंडोज़ वन टच डाउन अप नहीं है, सिर्फ आपको ये ड्राइविंग साइड वाली विंडो मिलेगी। चलिए आउटसाइड मिरर्स को यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड फोल्ड और एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी नीचे की तरफ भी देखें, यहाँ पे भी स्पेसेस हैं और वाटर होल्डर लगे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्रंट की सीट की। तो ये देखिए इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीटें रखी है, यानी आप इसकी सीट को ऊपर नीचे सेट कर पाएंगे, और आगे की सीटें भी जो हैं वो भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ बनी हैं।
चलिए दोस्तों बैठते हैं इसकी ड्राइविंग सीट पे और देखते हैं बाकी फीचर्स को। तो दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं फॉक्सवैगन टाइगून टॉप मोस्ट वेरिएंट टॉप लाइन, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको चेक कर लीजिए। इस साइड पे देख लीजिए, पहले आपको ज़रा डिज़ाइनिंग दिखा दूँ फिर बात करेंगे इसके फीचर्स की। चलिए बात करते हैं इस साइड से। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें यहाँ से आपको हेडलाइट को ऑपरेट करने का ये लीवर दे रखा है, हेडलैम्प बीम एडजस्टर मिल जाएगा। और चीज़ें देख लेते हैं, स्टेयरिंग देखिए यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग दे रखा है जो कि लेदर रैप्ड है, यानी प्रीमियम स्टेयरिंग मिल जाएगा। स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं, साथ में दोस्तों इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। और ये वेरियंट पर्टिकुलरली मैं आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा हूँ, तो इसमें देखिए पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं। ये हालांकि फ़ीचर ऐसा है जो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पर नहीं मिलेगा। चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत फीचर की बात करते हैं, ये देखिए इसमें आपको कलर्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाएगा, जो कि अगेन देखिए इस गाड़ी के इंटीरियर्स को कितना खूबसूरत बना रहा है। जिसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहां से आप स्विच करके देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, दिखा देता हूँ कहाँ इसका इंडिकेशन आएगा। एक बार मैं जरा इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ। ये देखिए ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं ये TPMS की है, अगर किसी व्हील पे प्रेशर कम होगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। चलिए बात करते हैं एक और खूबसूरत फीचर की, इसके म्यूज़िक सिस्टम की। इसमें आपको 10.1 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत दी हुई है। इसके अलावा दोस्तों और चीज़ों की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको, हाँ अब बात करते हैं एक ऐसे फ़ीचर की जो कि सही में बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है दोस्तों इस गाड़ी की फ्रंट की जो सीटिंग्स हैं, ये फ्रंट की जो दोनों सीटें हैं इसमें आपको मिल जाएगा वेंटिलेशन सिस्टम। ये देखिए उसके यहाँ पे ये दो बटन दे रखे हैं, इससे आप इसके वेंटिलेशन को ऑन कर दीजिए। इस समय इधर वाला ऑन हो गया तो यहाँ से एयर आने लगेगी और ये सीटें हो जाएंगी ठंडी, जिससे आप गर्मी में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये सीटें आपको कम्फर्ट देंगी। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा इसके टॉप मोस्ट वेरियंट में फीचर। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्लाइमेट्रॉनिक्स दे रखा है, यानी टच पैनल पर जो है ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा। आप इसके AC को यहाँ पर देखिए बटन से ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक यानी ऑटो मोड पर कर दीजिए तो ये वो टेम्परेचर केबिन पे मेंटेन रखेगा। इसके अलावा दोस्तों और चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आगे भी आपको दो टाइप सी पोर्ट चार्जिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए वायरलेस चार्जर भी दोस्तों आपको इस गाड़ी पे मिलेगा। इस साइड पे देख लीजिए यहाँ पे आपको कुछ स्पेसेस मिल जाएंगी, कप होल्डर्स रखे हैं, फ्रंट में आर्मरेस्ट दिया हुआ है, देखिए सॉफ्ट है, स्लाइडर भी है, आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग इसको स्लाइड कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो अंदर तरफ एक बॉक्स दिया हुआ है, इस साइड का भी बॉक्स चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये देखिए ये कूल ग्लो बॉक्स है, देखिए यहाँ पे इसमें नॉब रखा है, आप इससे इसकी कूलिंग को सेट कर सकते हैं। ऊपर साइड देख लीजिए तो यहाँ पे बात करेंगे इसके पैनल की, ये देखिए इसमें आपको आगे की मैप लाइट्स मिल जाएंगी और दोस्तों इसमें सनरूफ भी है, ये देखिए चेक कर सकते हैं इसमें इसके सनरूफ के साइज़ को, इतना बड़ा आपको इसमें सनरूफ मिल जाएगा। वन टच है विद एंटी पिंच, देखिएगा मेरे हाथ को जैसे सेंस करेगा, देखिए रोल बैक कर गया। चलिए और फीचर्स के दोस्तों बात करते हैं तो सेफ्टी फीचर्स भी समझ लीजिए, इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें ABS है, EBD है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। साथ में दोस्तों इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आपने दोस्तों देख लिए फॉक्सवैगन टाइगून का टॉप मोस्ट वेरिएंट टॉप लाइन के सारे फीचर्स। एक बार मैं जरा इसका स्टीयरिंग चेक करना रह गया था, देखते हैं इसमें देखिए टिल्ट है और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, यानी इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दोनों मिलेंगे, तो काफ़ी जो है कम्फर्टेबल फीचर है ये भी। अब और चीज़ों के देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, ये देखिए 12 वोल्ट का पावर आउट दिया हुआ है। चलिए ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर वेरियंट मैं आपको दिखा रहा हूँ 6-स्पीड ऑटोमेटिक में, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और एक स्पोर्ट्स मोड है, यानी यहाँ पे आप मैनुअली गियर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं जरा इसमें रिवर्स गियर लगा देता हूँ और ये देखिए इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड सेंसर्स, दोनों सेंसर्स बीप कर रहे हैं, कैमरा पीछे का पूरा व्यू दिखा रहा है विद गाइडलाइंस, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। अब देखिए सारे फीचर्स हो गए, चलिए चेक करते हैं इसके इंजन को। तो दोस्तों इसमें आपको 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 999 cc का, मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 115 PS का, 5000 से लेके 5500 RPM तक, 178 Nm का टॉर्क है, 1750 से लेके 4500 RPM तक। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में माइलेज क्लेम किया गया है 18.10 km/L का, और 6-स्पीड AT यानी ऑटोमेटिक में क्लेम किया गया है 16.44 km/L में। तो दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, आपने चेक करी फॉक्सवैगन टाइगून जो कि न्यूली लॉन्च गाड़ी है, उसका डायनेमिक लाइन का टॉप वेरिएंट
टॉप लाइन। दोस्तों इस गाड़ी के सारे फीचर्स आपने चेक करे, अब आप बताइए इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। दोस्तों पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कार दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई जैसे ही अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नया रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।